हेलो गाइस, आज हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की। इसमें क्या होता है, सीड जो होती है वो कवर्ड होती है और इसमें रिडक्शन डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट में भी कुछ सेल्स के अमाउंट में कम डेवलपमेंट होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होती है, पोलन ट्यूब के थ्रू होती है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, बिना फ्लैजिला के होता है। और एंडोस्पर्म इसमें कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। और उसमें जिम्नोस्पर्म में कैसा था, हैप्लोइड। इसमें ट्रिप्लोइड क्यों होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस्ड होता है। और उसमें हैप्लोइड क्यों होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले प्रोड्यूस्ड हुआ था। अब इसमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है। हमें पता है इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होगा, सीड होगी, सीड कवर्ड होगी, उससे फ्लावर बनेंगे, फ्लावर से फ्रूट्स बनेंगे। जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सीड बियरिंग होता है, सीड कवर्ड होती है, स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, ये डिप्लोइड होता है। टू टाइप की सीड्स होती है, अब मोनोकोट सीड, डाइकोट सीड, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड्स इनक्लोज्ड होती हैं। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का फ्रूट्स के अंदर होता है, ठीक है। और क्या है, ट्रीज़ हैं जैसे शर्ब्स, हर्ब्स, इनके बहुत सारे पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं और बन जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट और एंथर स्टेमन। इसके अंदर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे मेल गैमेटोफाइट के थ्रू, पोलन ट्यूब में। मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स बोलते थे। पोलन ट्यूब के थ्रू वो चले जाएंगे किसके पास, ओवरी के पास। ओवरी किसमें प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होगी, हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी है। पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होगी, ऊपर आके पोलन ग्रेन्स स्टिकअप कर जाएंगे। पोलन ट्यूब के थ्रू वो इसके अंदर, ओवरी के अंदर चला के फर्टिलाइजेशन कर देंगे और एक फ्लावर बन जाएगा। फ्लावर से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। थैंक यू गाइज।